अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आम आदमी पार्टी की बठिंडा देहाती से विधायक रुपिंदर कौर रूबी का आज विवाह हो गया। बठिंडा के ब्लेजिंग स्टार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इसके अलावा तमाम दिल्ली के लीडरशिप के अलावा पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक भी पहुंचे। शादी समारोह में सुखपाल सिंह खेरा को भी निमंत्रण दिया गया है। इस बारे में रुपिंदर रूबी ने कहा कि आज उनको खुशी है कि एक अच्छे परिवार के साथ उनका नाता जोड़ा है। थैंक यू सो मच सबदा। मैं महाराज गुरु महाराज जी का भी शुकराना करती हाँ जी। तो मैं नवे जीवन से प्रवेश किया है। मैं अपने परिवार का, अपने सहुरे परिवार का सब का शुक्रिया करती हाँ। तो मैं यही होप करती कि जब मैं बठिंडा देहाती के लोगों के आसा से खरी उतर रही हूँ, मैं अपने परिवार की आसा से भी खरी उतर। हम लोग बस सीधे इधर आ रहे हैं। रास्ते में हम लोग संत विद्यानंद जी के भोग पे गए थे, उनको श्रद्धा अर्पित करने के लिए। अदरवाइज आज तो हम अपनी पर्सनल विजिट पे आए हैं। हमारी जो साथी हैं रूबी, उनकी आज शादी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको हैप्पी मैरिड लाइफ। चल रहा है खेरा साहब अलग झगड़ा बना रखा है तो क्या चल रहा है? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सब चिंता कर रहे हैं। प्लानिंग क्या है करेंगे? लोकसभा की सारी सीटों पे लड़ेंगे, नहीं किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, अकेले लड़ेंगे सब। आज ये पंजाब के अंदर जो भी घटनाक्रम चल रहा है, कैप्टन साहब ने कहा था सबको नौकरी देंगे, हर घर से एक आदमी को नौकरी देंगे। मिली नौकरी किसी को? नहीं मिली। उन्होंने कहा था नौकरी नहीं दूंगा तो मैं भत्ता दूंगा बेरोजगारी। मिला किसी को? नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, बढ़ाई पेंशन? नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा, कर्जा माफ़ किया? नहीं किया। उन्होंने कहा था फ़ोन दूंगा, किसी को फ़ोन मिला? नहीं दिया। चार मोटे मोटे वादे थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया, सब झूठ बोला, सब झूठ बोला। तो आज पंजाब के लोग एक तरह से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, नशा दूर हुआ? नहीं हुआ। आज भी नशा उतना ही है। एक सबसे बड़ा मुद्दा तीसरा बेअदबी वाला जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उसमें रंजीत कमीशन की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में बादलों को दोषी पाया गया, उसके बावजूद जो ये कैप्टन साहब हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, FIR के अंदर उनका नाम ही नहीं डाल रहे, उनको गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा। तो ऐसे लग रहा है कि ये मिली भगत से सारा चल रहा था। ऐसे में आज लोगों को आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प पंजाब के अंदर नजर आ रहा है। सर एक अंग्रेज जादू के केस ये अच्छा है, वो साफ हो गया। बेअदबी का जो मामला था कुरान शरीफ की बेअदबी का, उसमें नरेश यादव जी को गलत तरीके से फंसाया गया था, आज कोर्ट ने साबित कर दिया है। कैमरामैन कुलविंदर सिंह के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।